वीडियो लेकर आए हैं। हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है और बहुत ज़्यादा दिमाग में उसका संतुलन बिगड़ा रहता है, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है और बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी रहती है और बहुत परेशान रहते हैं ऐसी बीमारी से, तो वो लोग इस टैबलेट का, ये टेन का यूज़ करेंगे। ए टेन टैबलेट का 25 mg में आती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत अच्छी टैबलेट है, इसके बारे में यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। चलेगा, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टैबलेट दी गई है, A1025 नाम से आती है। इसको मैन्युफैक्चर करती है जेडूस फार्मा, अच्छी कंपनी, अच्छी दवाइयाँ बनाती है। साल्ट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या साल्ट डाला गया है? एटोनोल डाला गया है 25 mg, सिंगल साल्ट से मिलाकर बनाया गया है। जब ज़्यादा महंगी नहीं है, मात्र 27 रुपये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, छोटी सी टैबलेट होती है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस। जिन लोगों को मतलब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और इतना बीपी बढ़ जाता है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, उनको हैबत रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, और जिन लोगों को दिल का दौरा कभी पड़ा हुआ है, उसके बाद अगर उसको उनको ट्रीट करना चाहते हैं, दिल के दौरे को ठीक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जिन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कम या ज़्यादा होती है, हार्ट बीट जो होती है वो सही नहीं रहती, लेवल में ही रहती है, 80 से कम रहती है, उससे बढ़ जाती है, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी टैबलेट है, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर। डोज़ की बात करते हैं, इसके जो एडल्ट की डोज़ है, 24 घंटे में एक बार इस टैबलेट को दिया जाता है। पेशेंट की कंडीशन देख कर डॉक्टर ही इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे आप मेडिकल स्टोर से नहीं लेकर यूज़ कर सकते हो, घर पर इसको यूज़ करना है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही यूज़ करना होगा। इस टैबलेट को वैसे यूज़ नहीं करना है, टैबलेट नहीं लेना चाहिए। जो लोग ब्रेड फीडिंग मदर होती हैं उनको नहीं लेना चाहिए, प्रेगनेंसी लेडीज हैं उनको नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल वाले पेशेंट हैं उनको नहीं लेना चाहिए, और बच्चों में इस टैबलेट का सेवन नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने जाना A10 टैबलेट के बारे में, फुल रिव्यू, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट बताए, संपूर्ण जानकारी मिल गई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।